लग रहा है कि बजरंगबली के बाद ये तीसरा इशू मिल गया है आपको? नहीं, इशू का सवाल नहीं है, आप हर चीज को क्यों वॉट के दायरे में देखती, पॉलिटिक्स में तो हम है, आप काहे को पॉलिटिक्स कर रही हो, पॉलिटिक्स में तो हम है, आप काहे को पॉलिटिक्स कर रही हो। जब आप पत्रकारिता का धर्म भूलकर किसी पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम करने लगते हैं, तब उस वक्त सबसे बड़े नेता को कहना पड़ता है कि आप पत्रकार हैं तो पत्रकारिता का धर्म निभाइए, आप हर चीज को वोट के दायरे में रखकर क्यों देखती हैं? वोट लेने देने का काम राजनीतिक पार्टियों का है, आप जैसे पत्रकारों का नहीं। तो अब हम आपको बताते हैं बात क्या है। अंजना ओम कश्यप ने कर्नाटक चुनाव में भंवर में फंसी भाजपा को बचाने के लिए कर्नाटक पहुंची और जैसे ही अपनी हाजिरी बनवाने अमित शाह के पास पहुंची तो अमित शाह ने अंजना को लतार कर रख दिया, खुल के पत्रकारिता और चाटुकारिता के बीच का पाठ पढ़ा दिया और दबे लफ्जों में ये बता दिया कि इतना ही चाटुकारिता करो कि लोगों को समझ ना आए। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं दखन टॉप और मैं हूँ शाइस्ता अली। खुद अंजना ओम कश्यप अपने शो में चीख चीख कर इस बात का ऐलान कर चुकी हैं कि इस बार कर्नाटक में भाजपा हार रही है और कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। तो अंजना कर्नाटक में एक पत्रकार नहीं बल्कि किसी पार्टी के एक कार्यकर्ता की तरह मैदान में कूद जाती हैं और अमित शाह के इंटरव्यू के नाम पर पूरे कर्नाटक में भाजपा के लिए प्रचार प्रसार जैसा काम करने लगती हैं। आज तक में अमित शाह के इंटरव्यू के नाम पर अंजना ओम कश्यप का लगभग एक घंटे का शो चलाया जिसमें सिर्फ 15 से 20 मिनट तक का इंटरव्यू था, बाकी था प्रचार प्रसार भाजपा का। जब कोई भी आदमी किसी भी पार्टी के कार्यक्रम में पहुंचता है तो वहां ज्यादातर लोग उसी पार्टी के नेता होते हैं। अंजना अमित शाह के इंटरव्यू के नाम पर पूरे दिन अमित शाह के साथ घूमती हैं और अमित शाह के कार्यक्रम में जाकर भाजपा का पट्टा लगाए लोगों की उनसे राय जानने की कोशिश करती हैं। तो हर कोई कहता है वो भाजपा को वोट करेंगे, अब भाजपा का कार्यकर्ता भाजपा को वोट नहीं करेगा तो किसे करेगा, आप ही सोचिए। लेकिन अंजना भाजपा के कार्यकर्ताओं की राय को कर्नाटक की आम जनता की राय बताने की कोशिश करती हैं। तो ये देखने की कोशिश करती हैं कि कैसे मोदी और शाह का मोर्चा संभालने के बाद कर्नाटक का चुनाव बदलने लगा है। मोदी और शाह धुआंधार रैलियों से कर्नाटक की आम जनता ने अपनी राय बदल ली है, यानी कि मोदी और शाह के रैलियों से लोग अपना राय बदल लेंगे और बीजेपी को वोट देंगे और वो भाजपा को ही वोट देंगे। मतलब इनके इंटरव्यू के लिए अंजना ने गिरने की सभी हदें पार कर दी, भाजपा के कार्यकर्ताओं को आम लोग बताने लगी। और जब आप पूरी एक घंटे की वीडियो देखेंगे आपको लगेगा कि ये अंजना का संयोग नहीं बल्कि प्रयोग है। पूरे एक घंटे के उस कार्यक्रम ने अंजना द्वारा बाजा बजाया गया है बीजेपी का। ये सब इसलिए किया गया है ताकि अमित शाह एक इंटरव्यू दें। अमित शाह का इंटरव्यू लेने के लिए भाजपा के कार्यकर्ताओं से बात करके अंजना को ये बताना पड़ा कि ये कर्नाटक के आम लोगों की राय है। ये सब करने के बाद अंजना अमित शाह का इंटरव्यू लेने बैठी, तभी अमित शाह ने अंजना के खेल को ही बेनकाब कर दिया। अंजना ने जब अमित शाह से बजरंग दल और यूसीसी और दूसरे बयानबाजी को लेकर अमित शाह से ये सवाल पूछा कि क्या आपको लगता है कि बजरंगबली के बाद अब भाजपा को एक और इशू मिल गया है चुनाव प्रचार के लिए, तो अमित शाह ने कहा इशू का सवाल नहीं है, आप हर चीज को क्यों वोट के दायरे में रहकर देखती हैं, पॉलिटिक्स में हम हैं तो आप काहे को पॉलिटिक्स कर रही हैं। जब अमित शाह ये बोल रहे थे उस वक्त अंजना ओम कश्यप का चेहरा देखने लायक था। जो खुशी अंजना को अमित शाह के इंटरव्यू में नजर आ रही थी उस खुशी को अमित शाह ने बीच इंटरव्यू में ही खत्म कर दिया अपने जवाब से और अंजना को ऐसा जलील किया कि उसके चेहरे की रंगत ही उड़ गई। आप जरा सोच कर देखिए, अगर यही बात किसी विपक्षी नेता ने अंजना से कही होती तो अंजना कैसे गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही होती, लेकिन यहाँ ऐसे चुप्पी हो गई जैसे मालिक के डांटने के बाद नौकर चुप हो जाता है। शाह ने जिस तरह से अंजना को जलील किया, जिस तरह से चुप करा दिया, अगर उसने अपनी जमीर को गिरवी ना रखा होता तो वो अपने सवालों से अमित शाह की बोलती बंद कर देती, बजरंग दल जैसे गुंडई करने वाले ऑर्गेनाइजेशन को
भगवान बजरंग बली से जोड़ने पर सवाल पूछती, लेकिन कहते हैं ना सब पैसों का खेल है बाबू भैया। तो अमित शाह ने अंजना को जिस तरह से जलील किया उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।